किसी और के साथ देख रहे थे, मुझे वो फील नहीं आ रहा। जब सिद्धार्थ एक दिन के लिए एक एपिसोड में आए थे तो आई वॉज लाइक यार यहीं इनकी शादी करवा दो, ख़त्म करो यहीं पर ये किस्सा, तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। आई डोंट नो उन्होंने अनूप जी के साथ ब्रेकअप कर लिया है कि क्या है। जैसे हिट होगा शनाज है, पारस है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है वो दोनों। बहुत ज़्यादा आई थिंक काफ़ी टाइम से ये एक्साइटमेंट चल रही थी क्योंकि काफ़ी फैमिली फ्रेंड भी हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं और फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ। लास्ट टाइम नहीं किया था किसी कारणवश, इस बार पहली बार कर रही हूँ, सो आई एम रियली प्रीटी एक्साइटेड अबाउट अबाउट हू इज विनिंग शो एंड व्हाट्स हैपनिंग। इस समय कोई ऐसा करंट शो जो आप दोनों फॉलो कर रही हो? करंट शो कर रहे थे, अभी ख़त्म हो गया और सिद्धार्थ चुके हैं ऑफ कोर्स बिग बॉस, और फिलहाल तो आई थिंक वही था लेटेस्ट। और यस बिग बॉस का ही रिलेटेड शो स्वयं पर आया शनाज के लिए पारस छाबड़ा का, क्या लगता है कितना सक्सेसफुल होगा? यार मुझे सिद्धार्थ के साथ ही सना अच्छी लगती थी, और जब सना वो किसी और के साथ देख रहे हैं तो मुझे वो फील नहीं आ रहा। जब सिद्धार्थ एक दिन के लिए एक एपिसोड में आए थे तो आई वॉज लाइक यार यहीं इनकी शादी करवा दो, ख़त्म करो यहीं पे ये किस्सा, बट आई रियली लाइक देम। आई थिंक दे आर फ्रेंड्स, वो लोग फ्रेंड्स हैं, तो शनाज को अब देखना है, अपने लिए शादी देखनी है, अपने लिए लड़का देखना है, तो आई एम विशिंग हर ऑल द बेस्ट। इवन पार्ट आई तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। आई डोंट नो उन्होंने अनूप जी के साथ ब्रेकअप कर लिया है कि क्या है। जैसे वो या तो वो शो से जैसे बिग बॉस के बाहर आई थी और उन्होंने बोला था कि ये प्रैंक था, ये फन था, तो क्या पता ये भी इनके लिए उनका एक कोई नया प्रैंक हो, तो आई डोंट नो अबाउट कि वो सच है। नो कमेंट्स, गुड लक टू हर, नो कमेंट्स। ओके लास्टली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, कितना हिट हो सकता है ये शो और आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो जल्दी दर्शकों? सी आई एम श्योर हिट होगा, शनाज है, पारस है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है वो दोनों, स्पेशली शनाज शो है, आप सब लोग अच्छा करेंगे आई एम श्योर। और हमारा बहुत जल्दी हम साथ में एल्बम शूट करने जा रहे हैं दोनों, तो ये कुछ नया प्रोजेक्ट होगा हमारे लिए क्योंकि हमने इससे पहले बिग बॉस में काम किया था, उसके बाद हम एक साथ करेंगे, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अभी मैंने दीपक के साथ भी एक और एल्बम शूट किया है, वो भी रिलीज़ होने वाला है, एक और शूट हम प्लान कर रहे हैं विच इज़ मेरी मतलब नेक्स्ट मंथ है मोस्टली, तो लेट्स सी जैसा भी होता रहता है रिलीज़ के पहले हम आपको इन्फॉर्म करते रहे। अपने लुक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, क्या कुछ सोच के आज ले आ रहे हो, कितना समय लगा? मैं तो रेड कारपेट के हिसाब से रेड पहन के आ गई हूँ और समय ज़्यादा तो नहीं लगता, मतलब मैं हार्डली टेक हाफ समय। अच्छा रियली? मतलब स्पेशली लगता है गर्ल्स है, हमें टाइम लगता है तैयार होने में, बिकॉज हमें आपको भी आई एम श्योर अच्छा लगता होगा मेकअप करना, इस वैसे हमें बहुत पसंद है, लेकिन आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। या थैंक यू थैंक यू।